तो जो मकसद होता है हमारा, वो मकसद हमारे लिए कभी नहीं होता, वो मकसद हमसे बड़ा होता है. इट्स बिगर देन अस, हायर देन अस. इट इज नॉट फॉर अस, इट्स नॉट फॉर अ कंपनी, इट्स फॉर समबडी एल्स. तो आप क्या कर रहे हो जिससे किसी और की जिंदगी अच्छी हो रही है अपने प्रोडक्ट के द्वारा? If that thought process comes in, and everybody has a thought process that your life is of some use to something big, you are not part of a small thing which you are doing. तो आप accounts कर रहे हो लेकिन उसका कहीं ना कहीं connect है बड़े काम से. आप sales कर रहे हो उसका कुछ connect है बड़े काम से. आप operations संभाल रहे हो लेकिन उसका कुछ connect है बड़े काम से. Together we are doing something big in the world which alone I could not have done. And that big thing is the purpose of the company. Nothing in this world, nothing, when I'm saying nothing means nothing. कोई भी चीज इस पृथ्वी में नहीं है जिसका कोई कारण नहीं है. Everything has a reason. Everything in this world has a reason. It is one benchmark which we have and we say, ये एवरेस्ट है, मेरी लाइफ का एवरेस्ट क्या होना चाहिए? People use Everest as a benchmark to achieve things. उसका भी मकसद है. तो जब उसका मकसद हो सकता है, मक्खी का मकसद हो सकता है, हमारा भी तो कोई मकसद होगा. बहुत से लोगों ने अपने स्वार्थ में, अपने सेल्फिश नेचर के कारण जिंदगी को अपना ही फुलफिलमेंट बना के रखा. मेरी लाइफ सब मेरे लिए, मेरा पैसा, मेरी वाइफ, मेरा घर, मेरी गाड़ी, एवरीथिंग इज फॉर मी. एंड एज अ रिजल्ट हम इतने छोटे बन के रह गए. लेकिन हम में से कुछ अच्छे इंसान हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को किसी और के लिए बनाया, और वो स्टीव जॉब्स बन के निकल गए. It's not about social work. It's all about कि जो हम कर रहे हैं क्या उससे किसी और का बेनिफिट हो सकता है. और it makes more business sense. In fact, this is the biggest business sense. कि हम जो कर रहे हैं उससे किसी और का बेनिफिट होना चाहिए, इससे बड़ा मार्केटिंग थॉट प्रोसेस नहीं हो सकता.